टॉरस वालों को थोड़ी सी मैं डिटेल दे दूं। टॉरस वाले जो हैं वो अप्रैल 20 से मई 20 तक जो लोग हैं जोहरा सितारा इश्को मोहब्बत के लाजवाल दास्ताने लिखने वाला सितारा टॉरस वालों के लिए जहां पे रिलेशनशिप में एक गैप आ रहा था, मजेदार जिंदगी नहीं चल रही थी, वो लोग जिनकी तलाक बिल्कुल आखिरी दहाने पर खड़ी थी अब वो रिवर्स में सितारे आना शुरू हो जाएंगे। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका मोहब्बत का जो सिलसिला है वो बहुत मजबूत हो जाएगा और ये रहेगा 28 दिसंबर 2018 तक इसी साल, और ये बड़ा स्ट्रांग रहेगा। इसमें आप अपने रिलेशन को जितना भी तूल दे सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं, ये गुड़ डालना आपका काम है और बाकी मिठास तो परवरदिगार डाल ही देगा। और रिलेशन के अलावा यहाँ पे जो जॉब के लिए अभी तक इंतजार में है कि हमें मनपसंद जॉब नहीं मिली या उनके रोजगार यानी पैसे वैसे का मसला है, तो टॉरस वाले जो सौर वाले हैं उनको यहाँ पे दो सितारे ऐसे हैं, यानी एक आउट ऑफ कंट्री का और एक इन सिटी, जिस सिटी में आप रह रहे हैं करंट जो भी लोकेशन है, ये दो डायरेक्शंस में आपका रिस्क फैला हुआ नजर आ रहा है। इस हफ्ते अगर आप मुल्क से बाहर जाने के लिए अप्लाई करेंगे ठीक है, लेकिन ये 67% है, बहुत होता है 50 के ऊपर एक चांस लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप मुल्क के अंदर ही जिस सिटी में इस वक्त हैं अगर वहां पे थोड़ी सी पेशरफ्त होते हुए सितारों की दिखाई दे रही है तो वो आपके कैपिटल को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देगी। अब वो मसाइल खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं जो कि आपके रिलेशनशिप और फाइनेंस में पिछले हफ्तों में दिखाई दे रहे थे। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा, लेकिन सितारा जरूर मैच करवा लीजिएगा। शादी ब्याह के लिए आपका जो भी मैच है उसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि अब मुझे एक हैरत की चीज ये होती है कि टॉरस वालों के ऊपर बहुत जल्दी मैजिक असर नहीं करता है, लेकिन क्योंकि सब टॉरस वालों के साथ ऐसा नहीं है जो जवाल की तारीखों में पैदा हुए हैं, जवाल और रूज के अलग अलग टाइम होते हैं, वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी से भी जब मैच करवाएंगे निकलवाएंगे तो आपको बता देगा कि भाई आपके साथ ये असर है कि नहीं। तो यहां पर जो दिखाई दे रही है कि आपकी शादियों में जो डिले है या रिलेशनशिप अगर वो सही नहीं चल रहे तो वो या तो मैच परफेक्ट नहीं है या वो किसी वुडो का नतीजा है, किसी जादू या किसी अमल का नतीजा है। उसको रिमूव करने के लिए अब आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए कि यहां पे जोहरा सितारे की एक पावर ये भी होती है कि वो हर 6 महीने के बाद एक डिलीट साइन मारता है जो जुपिटर को क्रॉस करता है। 37 फ्लोर से आपके ऊपर लाइट्स आती है, जो आपने अपने नाम की पढ़ाई करनी होती है, जो बर्थ स्टोन आपने पहना होता है वो आपको बचा भी लेता है और वो टर्निंग पॉइंट भी होता है। तो ये जोहरा का एक खास है कि जादू ऑटोमेटिकली रिमूव करता है। अब आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, जिनके ऊपर इस तरह के असरात हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज का खास ख्याल रखना होगा, वो लोग जो फोर्सेस में जाना चाहते हैं, लड़कियां या लड़के जो पुलिस में जाना चाहते हैं, वो सियासी किसी अपनी पेशरफ चाहते हैं या किसी ऐसे ओहदे पे जो एजेंसियां काम कर रही होती हैं उसमें जाने वाले हैं, तो उनको यह ख्याल रखना होगा कि तारीखों का, कि किस डेट को उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करनी है या क्या होना है, क्योंकि ये काम उनका हो जरूर जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपकी हिजरत का है, तो अगर आप हिजरत कर लोगे तो वो ज्यादा बेटर आ रहा है। मतलब इससे पहले कि आप किसी फोर्स को ज्वाइन करते हो, पैसे की मैं बात कर रहा हूं, मैं वो आपके शौक की बात नहीं कर रहा हूं। अगर शौक है तो फिर आप जो भी चाहो, फिर इन चीजों को मत देखो, फिर बहुत सारी जगहों पे आपको उन्हें इन्वेस्ट करना होता है, लगाना होता है। जितने भी लोग हैं जिनकी इस वक्त जिंदगी सेहत की वजह से मुतासर थी, अब उनके लिए बड़ा पॉजिटिव टाइम शुरू हो गया, यानी बड़ी बीमारियां डिलीट होने पर बिल्कुल पोर्शन पर आ चुकी हैं, 9.7% तक पहुंच चुकी हैं। ये बड़ी अमेजिंग न्यूज है, बहुत बेहतर है। इस हफ्ते का रंग नीला है आपका, डार्क ब्लू में अगर कुछ भी ना चाहे जरूर पहनिएगा। जो आपने सदका देना है मेरे दोस्तों वो है हड्डी वाला गोश्त एक पाव। आप परिंदों को खिला दें, जानवरों को खिला दें, किसी इंसान को खिला दें, लेकिन वो अनकुक्ड हालत में आपने देना होगा। जो तस्बीहां पढ़नी है, एक तस्बीह या समी हो और एक तस्बीह या मुकीत हो। इस हफ्ते की जो इस्माए मुबारक है मेरे अल्लाह के, या समी हो या मुकीत हो।